Dev. Today I am going to talk about pest special and pest as happening in MS Word. पेस्ट स्पेशल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ताकि अपने फाइल में किसी दूसरे फाइल के इमेज, टेक्स्ट या वीडियो को हम पेस्ट कर सकें। और पेस्ट स्पेशल का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अपने फाइल में किसी दूसरे फाइल को लिंक के द्वारा अटैच करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको विंडो बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको MS Word सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ गया, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा MS Word ओपन हो गया। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट एज हैपरलिंक। सबसे पहले हम पेस्ट स्पेशल जानते हैं क्या होता है। इसे करने के लिए पहले विंडो को यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए, फिर हम दूसरा चैप्टर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सेल कर रहे हैं। तो देखिए मेरा आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल वो ओपन हो जाने के बाद एक्सेल का कुछ एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस हम MS Word में आ जाते हैं और पेस्ट के नीचे जो एरो दिया हुआ है उसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर पेस्ट लिंक को सिलेक्ट करेंगे, ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जितना एक्सेल में मेरा एरिया सिलेक्ट हुआ था उतना ही मेरा MS Word में भी आ गया है। उसके बाद हम एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हम नेम, रोल, क्लास एंड मार्क्स ये टाइप कर दिए। तो देखिए जो चीज़ हमने एक्सेल में टाइप किया वही मेरा MS Word में भी टाइप हो रहा था। अब हम इस रिकॉर्ड को फिल कर लेते हैं। जैसे नेम हम दे देते हैं यहाँ पर माही, रोल दे देते हैं 1, क्लास दे देते हैं 3 एंड मार्क्स दे देते हैं 69। तो देखिए जो चीज़ हमने एक्सेल में टाइप किया वही मेरा MS Word में भी आ रहा है। तो ये सिर्फ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के थ्रू ही आ सकता है। अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट एज हैपरलिंक। उसे समझने के लिए हमें इसे क्लोज करना होगा और MS Word को हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा पेस्ट एज हैपरलिंक हाईलाइट नहीं है, तो पहले हमें प्री डिफाइंड मैसेज लाना होगा। तो हम रैंड फार्मूले से लेते आते हैं। देखिए मेरा प्री डिफाइंड मैसेज कुछ इस तरह का आ गया, लेकिन अभी भी मेरा पेस्ट एज हैपरलिंक हाईलाइट नहीं है। तो इसे हाईलाइट करने के लिए हम दूसरा फाइल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा बहुत सारा सेव्ड फाइल है, तो हम कोई सा भी फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उसके कुछ टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने फाइल पर आ जाते हैं। देखिए आ गए। अब कहीं पर भी आप कर्सर रख दीजिए, उसके बाद इसके पेस्ट के नीचे जो एरो है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मेरा पेस्ट एज हैपरलिंक हाईलाइट हो गया, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए उस फाइल का लिंक मेरा इस फाइल में आ गया। अब हम चाहते हैं कि दूसरे फाइल को ओपन करें, तो आपको कुछ नहीं बस यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो मेरा सेकेंड फाइल ओपन हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।